चुकी हैं, माता रानी सज धज के बैठ चुकी हैं, बस जो जलेगी और हमारी पूजा स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो बो दिए गए हैं, कल देगी बोलो माता रानी की जय। जोतावाली माता मेरी सदाली जय, 84 घंटे वाली माता तेरी सदाई जय। तो मैं आ चुकी हूँ नीचे से पूजा वगैरह करके, और अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। मेरा तो फास्ट है, और ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पराठे एंड चाय। मस्त खुश ने पहले कर लिया, मेरी चाय यहाँ रखी है जिसको गिराने गए, पूरे मंसूबे लेके आया है। मेरा फास्ट है तो मैं पीऊंगी चाय, साथ में लूंगी व्रत वाले चिप्स। हो चुका है शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ यहाँ पे शाम का खाना, यानी कि व्रत का खाना होता है कचौड़ियाँ। साथ में बनाऊंगी मैं आलू का हलवा, और साथ में बनेंगी आलू और पनीर को मिक्स करके सब्जी। तो मैं आपको दिखाते हुए हमारे उबल रहे हैं, यहाँ पर रख रखा है पनीर, मैंने अभी काटूंगी इसको। यहाँ देसी घी है जो कि हलवे में डलेगा, और सारी चीज़ें मैं रेडी है। यहाँ पे है मसाला पिसा हुआ, क्योंकि टमाटर वगैरह मैंने पीस के रखा हुआ सब्जी के लिए। तो चलिए फटाफट तैयारी करते हैं और बनाते हैं। सुबह से ब्लॉग में कैसे थी, व्रत रखने की आदत नहीं है मेरी, और व्रत रखते तो मैं उस दिन डाउन रहती हूँ पूरे दिन। तो मैं आराम से सो रही थी, रेस्ट कर रही थी, और अब फिर सीधे शाम का टाइम हो चुका है, चाय पी एक कप, उसके बाद फटाफट लग गई हूँ बनाने के लिए। अभी दोपहर 8:15 हो रहे हैं, और ये डांस तो 8:15 हो रहे हैं, और बस ये मुझे रही है रेडी है कचौड़ियाँ आपका बनेंगे जल्दी से। बाहर आते हो तो नाश्ता नहीं दिखता, इतनी देर से बोले मंडी चले जाओ, अब होकर के आए हैं, तो अब जल्दी बनाने के लिए रेडी कर दूँ फटाफट। और सब पहले वो भी नहीं बुलाऊँ चाहे तो पूछने दे, क्या कह रही हो? नौतरारी को क्या कह रहे हैं? नौतरारी को? हाँ, अभी जो दिन चल रहा है। नौ पूछो, कुछ पूछ रही है तुमसे, ये नौतरारी को क्या कहते हैं? नौतरारी को, नौतरा जो अभी दिन चल रहे, नौतरात्रि बोल नहीं पा रही है, तो नवरात्रि बोलते हैं, नवरात्रि। तो यहाँ छोड़ दिया मैंने सब्जी, बस टमाटर है इसके अंदर और मिर्ची है, तो इसको भूनने देते हैं। उसके बाद आलू छिलने के लिए किसी को आते हैं काम पे, आलू छिलो फटाफट। तुझे अभी हुआ नहीं, हुआ कि अभी रह गया सब, बस मेरा भोग चढ़ा दिया है, अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत देर से लगे लगे कचौड़ी हलवा सब्जी और सलाद वगैरह हो चुका है, चलते हैं फटाफट खाना खाने। सो हमारा भोग तैयार हो चुका है, और हम लोग अब भोग लग ये रही कचौड़ियाँ आलू की, कुट्टू के आटे की, साथ में पनीर भी है, और यहाँ पर है हमारी सब्जी जो कि बिना लहसुन प्याज की है, और इसमें पनीर है, आलू है। तो बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है और सर में भी दर्द हो रहा है मेरे, तो फटाफट खाते हैं, करते हैं रेस्ट, और मिलेंगे कल आप लोगों से, क्योंकि ये ब्लॉग कल तक चलेगा, तो सेकंड नवरात्रा है कल, कल भी पूजा होगी, भी ज़्यादा हो नहीं पाता मेरे से बराबर। तो मैं आज का पता है क्या, आज का देखो भूख नहीं लगी है मुझे, पता नहीं, हाँ जब पहली बार हुआ है कि मुझे। कुहू आर यू रेडी? कुहू का है आज रिजल्ट, कुहू का रिजल्ट में क्या आया होगा आपके। तो आज के पापा जा रहे हैं रिजल्ट लेने के लिए कुहू का, और मैं जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि मेरे को भी टाइम हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए कुहू का टाइमिंग बहुत कम है। हाँ खुस का है कल, कल मैं खुस के रिजल्ट में जाऊँगी, आज पापा को होकर जल में जा रहे हैं। बेटा मुझे पूजा करनी है ना, फिर तो कल भी करते हैं, चले आपके बदले मैं खुश भी रेडी हो गया है कुहू के रिजल्ट में। ये टी शर्ट कैसे कर रखी है, इसको सीधी करो। ये प्यारी सिस्टर का आ रहा रिजल्ट, तो इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, नाच नाच के दिखा रहा है। अच्छा जी, चलो वो तो पता चलेगा अभी, वेट एंड वॉच, थोड़ी देर पता चल जाएगा नाक कटी नहीं कटी। तो गाइस अभी चल रहे हैं स्कूल, क्योंकि कू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कू का आने वाला रिजल्ट, और पहली बार ऐसा होगा जब इसे पूरे हो से पता चलेगा कि भाई इसके क्या नंबर आए हैं। तो अब कौन सी क्लास में जाओगे तुम? फर्स्ट। यस, तो अब जाएगी फर्स्ट में। तो भाई वैसे तो उसको पता है इसके मार्क्स कितने आए, लेकिन क्योंकि इसने पहले ही अजम्पशन कर लिया कि हर जगह हर हर सब्जेक्ट में 100 out of 100 आए, ये फोर्थ में जाएगा। तो चलो भी चलते हैं स्कूल और रिपोर्ट कार्ड पहले लेते हैं, और फिर देखते हैं कि जैसा कू ने बताया था वैसे नंबर आए नहीं आए, है ना कू?
हेलो गाइस, तो आज सेकंड डे और सेकंड नवरात्रा और आप सभी को सेकंड नवरात्रि के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो अभी जस्ट देखा आप लोगों ने, वो चली गई है अपने स्कूल उसके अपने रिजल्ट्स लेने के लिए। अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, मेरी पूजा भी हो चुकी है, मैं पूजा करके आ चुकी हूँ नीचे से, तो अब चलते हैं। और आज मैंने पहनी है लाल चूड़ियाँ, क्योंकि चूड़ियाँ खत्म हो रही थी मेरे पास, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी चूड़ियाँ ला रहे, मम्मी चूड़ी लेकर के जस्ट आई हैं, कल तो पहन नहीं पाई थी फर्स्ट नवरात्र में, बट मैंने आज जरूर पहन लिया है। तो चूड़ी पहनना अच्छा होता है, और ये खन 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 खन, मैं मोस्टली चूड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ, मैं बैंगल्स ही पहनती हूँ, बट अब चूड़ियाँ पहनना जैसे कि नवरात्रि हो गया, सावन हो गया, तो मैं पहन लेती हूँ। चलिए फटाफट ब्रेकफास्ट बनाते हैं, और ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या बनाना है, क्योंकि अभी तो 9 दिनों तक लहसुन प्याज कुछ नहीं खाया जाएगा, तो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या बनाते हैं। तो भाई कुहू ने रिजल्ट ले लिया है अपना, और कुहू कुहू कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अब आप नई क्लास में चली गई हो ना। तो हम लोग आ गए थे रिलायंस पर, यहाँ से कुछ ले रहे थे ग्रोसरी का सामान, तो यहाँ से कुछ सामान लेके फिर चलते हैं। जितने तो उसके नंबर देख के शौक नहीं लग रहा, जितना शौक उसमें जो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हुई है ना, उसका जो मटेरियल लेना ना उसे देख के शौक लग रहा है। और ये देखो बेचारी, इसने तो ऐसे सर ही रख लिया कंधे पे अपना। 6000 रुपीज़ की बुक्स, और फीस भी जो एक्स्ट्रा वो होंगी वो अलग है, डिपॉजिट होंगी। और अभी तो ये सिर्फ कुक का है, अभी तो कल खुश का भी रिजल्ट आना है, तो देखो भाई उसको भी 8000 तक की बुक्स आएंगी, उसकी भी 8000 से कम नहीं आएंगी। तो भाई अगले महीने ना बहुत भारी भरकम मतलब वजन आने वाला है, और साथ ही साथ क्या साले मेरी गाड़ियों के भी ना जो इंश्योरेंस है वो भी एक्सपायर हो गए, अगले महीने एक्सपायर हो गया। तो भाई अगले महीने बहुत तगड़ा बटन है, और दूसरा क्या है, मैंने दूसरा सुधा से कमिटमेंट कर रखा था कि यार नेक्स्ट मंथ में तो जगह घुमाने ले चलूंगा। और नाश्ते में बढ़िया अभी पराठे तैयार हो रहे हैं। अच्छा प्याज डाल नहीं सकते, प्याज डाल सकते हैं, अरे यार रसोई में आया काम पकड़ा दिया, एक जरा सा काम पकड़ा। तो जी पराठा आ गया अपना बन के, तो फिलहाल चल रहे हैं नाश्ता करने, तो जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, जल्दी ले आओ को यार। तो गाइज अब टाइम हो गया नाश्ता करने का, तो अब मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर मत जाना। तो मिलता हूँ मैं आपसे नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।